बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन की अपनी चेष्टाएं होती हैं, ऊर्जावान होने के कारण उसकी चंचलता भी है। जो अपनी चेष्टाओं को मन के साथ जोड़ते हैं वो बाल बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात जितनी भी चेष्टाएं हैं वो मन के साथ ना जोड़ी जाए, क्योंकि मन चंचल है। चंचल होने के कारण वो दुर्गुण आपके अंदर भी पैदा हो जाएगा। बचकाने काम कहलाए जाएंगे। समझदारी तब आरंभ होती है जब बुद्धि उसके साथ अपना काम करती है। चेष्टाएं तो की जाएं, परंतु बुद्धि के अनुसार की जाए। बुद्धि अपना काम जब जिम्मेदारी के साथ करने लग जाए तो कल्पनाओं में काट छांट करना शुरू कर देती है। बुद्धि काट छांट करना शुरू कर देती है, उन्हीं को हाथ में लेती है जिन्हें उपयोगी और व्यवहारिक समझती है। आप लोगों ने बुद्धिमानों के क्रियाकलाप देखे होंगे। एक सामान्य व्यक्ति के क्रियाकलापों से वो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। प्रेरणा से प्रेरित होकर के जो उन कार्यों को अपने जीवन में अपनाता है उसके सत्परिणाम भी निकल करके आते हैं। ऐसे लोग अगणित लोगों के द्वारा सराहे जाते हैं, उनकी सराहना की जाती है। अब मैं फिर से कहूंगा, जो बाल बुद्धि की कक्षा को, जो मन की चंचलता को अपनी चेष्टाओं में नहीं घुलने देते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी ऊंची एक कक्षा है। किसके कारण? बुद्धि की ही विशेषता के कारण। उसको प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा। अब यहां मैं इस बात को समझाना चाहूंगा, मैंने मन की चेष्टाओं की बात आपसे की है, दोबारा से अच्छे से समझ लें। मन अपनी चेष्टाएं करता रहता है। मन की चेष्टाएं लोभ मोह काम क्रोध हैं। उसी तरह के दुर्गुणी विचार हमारे अंदर जागृत होते रहते हैं, ये मन की चेष्टाएं हैं। बुद्धि का सहारा ये है, बुद्धि का काम है जांच पड़ताल करना। और जो जांच पड़ताल करने के बाद जो उचित निकल करके आए उसको अपनाना। इसलिए वो व्यक्ति सराहे जाते हैं जो काट छांट करना जानते हैं
और बुद्धि का सहारा लेकर के चलना जानते हैं वही व्यक्ति सराहे जाते हैं। अब मैं फिर से कहूंगा, जब ये काट छांट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो अभ्यास में आते आते वही चीज फिर चेष्टा में आती है जो सटीक है। इधर उधर की जो मन की चंचलता है वो समाप्त हो जाती है, उसी को सद्बुद्धि प्रज्ञा या उस अवस्था को, जीव की उस अवस्था को जहां अनावश्यक चेष्टाएं बंद हो जाएं, समाधि कहते हैं। यानी के सत्य में ही जहां समाने लग जाए चेतना उसी को समाधि कहते हैं। धरती की उपजाऊ शक्ति होती है, बहुत सारे जीव उस पर पैदा होते हैं, झाड़ झंकार कटीली झाड़ियां और औषधियां सब उस पर पैदा होती हैं, पर सब में उस धरती की ही तो शक्ति छुपी हुई है। इसलिए सबसे ऊंची कक्षा का नाम समाधि है, जिस मानस पर प्रज्ञा का आधिपत्य होता है, जो उसे आदर्शों के साथ बांधती है और आदर्श को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, उत्कृष्टता की कसौटी पर विचारणा करती है, अपने कार्य का, हर कार्य का निर्धारण खुद करती है, योजना भी खुद बनाती है, प्रज्ञा की बात कह रहा हूं, और योजना को बनाते बनाते मन को कस देती है, समझ लेना, वो ही व्यक्ति को महामानव भी बनाती है। ऐसे पुण्य परमार्थ भरे कर्म करने के निश्चय वो पैदा करती है। जिनके द्वारा वैसी परिस्थितियां व्यक्ति के सामने खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति का जीवन निश्चय से भरा हुआ, चुनौतियों से भरा हुआ हो जाता है और निर्णायक क्षमता बुद्धि के अंदर पैदा हो जाती है और अपने कर्म को सुघड़ता के साथ कराती हुई उन आदर्शों के अंदर जीव को या मन को बांधने लग जाती है। महामानवों जैसे निश्चय से भरे हुए जब संकल्प जगने लग जाएं और मार्ग की चुनौतियों को स्वीकार करने लग जाएं, उच्च स्तरीय चिंतन और मनन करने लग जाएं, तो समझ लेना चरित्र उन्हें नर से नारायण का स्तर प्रदान करता है। ऐसे लोग देवात्मा, पुण्यात्मा, परम पुरुष, पुरुषोत्तम जैसी विभूतियों से अलंकृत किए जाते हैं। उनकी परादृष्टि को समाधि के नाम से जाना जाता है। उनकी मनःस्थिति इतनी उच्च कोटि की हो जाती है कि मनुष्य कलेवर में वो देवों की तरह रहते हुए लोकोपयोगी कार्यों में सदा निरत
रहते हैं। ऐसे आदमी ना विश्राम करना चाहते हैं, ना किसी काम को बोझ मानते हैं, परंतु हर कार्य को, चाहे वो अपने से संबंधित हो या अपने बजाय किसी और के साथ संबंधित हो, वो उस कार्य में रुचि लेकर के उस कार्य को पूरा करते हैं। स्वार्थपरता और संकीर्णता, स्वार्थपरता और संकीर्णता, उससे वो परे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से मनुष्य कलेवर में तो रहते हैं, परंतु उनकी सोच में अपनी स्वार्थ नहीं चल रहे होते हैं, बल्कि दूसरों की भलाइयों के लिए परमार्थ के विचार चल रहे होते हैं। समाधि का एक क्रिया पक्ष है जिसमें संकल्प बल को इस सीमा के साथ विकसित करना पड़े कि मन क्षेत्र का पूरा नियंत्रण बुद्धि के बस में हो जाए। सोचो जो बात कही जा रही है, मन का पूरा नियंत्रण बुद्धि के बस में हो जाए और बुद्धि भी परमार्थ की, परोपकार की, पुण्य की बात को सोचे। तो फिर सोच करके देखिए, वो एक ऐसी अवस्था के अंदर लेकर के चली जाएगी जहां आपकी मानसिक हलचलें पूर्णतया गौण हो जाएंगी। मानसिक हलचलें पूर्णतया गौण हो जाएंगी और आपका मन पर पूरा पूरा नियंत्रण हो जाएगा। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, पिछले दिनों भी मैंने कहा था, मन भी आपका है और बुद्धि भी आपकी है और दोनों शक्ति हैं। आपके उत्थान और पतन के कारण भी वो ही हैं। जो व्यक्ति आलस्य, प्रमाद, निकम्मेपन को धारण किए रखते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जरूरत से ज्यादा इच्छाएं करते हैं, तो सोच करके देखिए वो मन को किस तरह से काबू कर सकते हैं। मन को वो ही लोग काबू कर सकते हैं जो अपने सोच के दायरे को एक निश्चित दायरा बना करके रखते हैं। मन का क्षेत्र जब पूरा नियंत्रण में आ जाए, यहां तक के उसकी हलचलें भी बंद हो जाए, उसे शून्य अवस्था कहते हैं। उसमें रक्त संचार तो जारी रहता है पर मस्तिष्क चेतना रहित हो जाता है। इस अवधि पर जब ये अवधि, इस तरह की स्थिति आपके अंदर पैदा हो जाए, तो आपकी जागृति स्वयं आपके पास वापिस लौट करके आने लग जाती है। और जब ये वापसी, यानी कि ये कहिए कि जो बेकार जा रही थी उसमें रुकावट पैदा हो गई और वो चेतना आपकी चेतना में ही खपने लग गई, तो उसके परिणाम
चमत्कारिक परिणाम निकाल करके लेकर के आते हैं। हठयोगी इस योग को, हठयोग को अपने साथ जुड़ा हुआ समझते हैं, परंतु ना, ऐसा नहीं है। कैसा है इसको जिद्दी नहीं कहना चाहिए, परंतु बलपूर्वक अपनी कमी कमजोरियों को अपने से बाहर करना कहिए, हट मत कहिए इसको, क्योंकि मन सहज अपनी वृत्ति को नहीं धारण करता, जो उसका अपना कर्म है उसको नहीं धारण करता, बुद्धि को ही उसको मजबूर करके, जो उसकी मूल अवस्था है उसके अंदर लेकर के जाना पड़ता है। विचार प्रणाली को अवरुद्ध करना, हृदय की धड़कन को घटा देना, श्वास प्रश्वास को सीमित कर देना, जागृत अवस्था में ही निद्रा के जैसी स्थिति में पहुंच जाना, ये संकल्प बल के ही चमत्कार हैं और कुछ नहीं है। मैं बार बार कहता रहा हूं, संकल्प बल की ताकत होती है। जब वो शक्ति इच्छा शक्ति बनकर के अपने विचारों के अंदर प्रवाहित होने लग जाती है, तो ना केवल विचार को अपने साथ लेकर के चलती है, बल्कि नीचे गिरी गई स्थिति को भी ऊंचा उठाने की सामर्थ्य को रखती है। जो भी दोष दुर्गुण हैं आपके, उनमें सामर्थ्य को पैदा करती है, सामर्थ्य ही पैदा नहीं करती है, उनमें प्रचंडता प्रचंडता आने की स्थिति पैदा हो जाती है। शरीर के अंग की क्षमता घटा या बढ़ा सकने की क्षमता आपके अंदर है, जब आप अपनी क्षमता को क्रियाशील जागृत करके क्रियाशील करते हैं, तो शारीरिक क्षेत्र में भी वो चमत्कार आपके जीवन में पैदा होने लग जाते हैं, जो आपके लिए बड़े सहज और सरल हैं। हठयोग की समाधि इसी अभ्यास के क्षेत्र में बड़े चढ़े रूप में प्रभावी होती है। इतने पर भी ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि समाधि वाला व्यक्ति मनोजय कर चुका, सब तक मनोजय पर टिका हुआ है। मेधा प्रज्ञा को जगा सकने की सामर्थ्य आपके इसी रूप में है, जहां आप अपने मन पर उस नियंत्रण को जगा सकें। आपके जीवन की वो वास्तविक प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। इस स्थिति को प्राप्त करना हर आदमी के लिए संभव है, परंतु सरल नहीं।
व्यक्ति क्योंकि बड़ी आसानी से मोह माया के साथ जुड़ जाता है, जुड़ जाने के बाद उसको पता है कि कर्म की प्रक्रिया क्या है, परंतु आदत से बाज नहीं आता। जब तक आत्म उत्कर्ष का उद्देश्य पूरा ना हो, आत्मव्रत ना बढ़े, मनुष्य का जीवत्व नहीं जगता, मनुष्य के अंदर उसका देवत्व नहीं जगता। इस अभाव में रहते हुए साप और वरदान दे सकने जैसी रिद्धियां सिद्धियों के दर्शन भी नहीं होते, वो स्थिति भी पैदा नहीं होती। मनुष्य जीवन भाव संवेदनाओं की गंगोत्री है। मनुष्य का जीवन का विषय भाव संवेदना है, परंतु समझ लेना, व्यक्ति जब तक शरीर के रूप में रहता है तो अनेक तरह के भाव उसको सताते रहते हैं और उन्हीं के अंदर वो फंसा रहता है। शरीर उसकी चेष्टाओं को तंद्रित शिथिल करता हुआ चला जाता है। निचेष्ट होने पर संकल्प की शक्ति जो व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए थी वो घटती चली जाती है, और घटती चले जाने के कारण व्यक्ति चेतनात्मक रूप से खोखला होता हुआ चला जाता है। अपनी शक्ति को बढ़ा करके जैसे सर्कस में दिखाए जाने वाले अजूबे करने वाले तो आदमी ही हैं, परंतु हम नहीं कर सकते। जिनमें अभ्यास करने वाले जानवर भी कितने ही कौतुक करके दिखाते हैं, उन्हें देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। आदमी कैसी कैसी स्थितियों में पहुंच जाता है इसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्रदर्शन के रूप में व्यक्ति हठयोग का प्रदर्शन करते हैं, वो समाधि की स्थिति में जाने का प्रदर्शन भी करते हैं, गड्ढे में बैठने उठने का या अपने ऊपर पुजापा बटोरने का प्रदर्शन, परख विडंबनाएं अपने जीवन में वो घटाते रहते हैं। परंतु सत्य को देखिए, उनका मूल उद्देश्य जो होता है वो पैसा बटोरना होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन के उन संकल्पों को जगा लेता है वो किसी तरह का प्रदर्शन स्वीकार नहीं करता, किसी भी तरह का प्रदर्शन स्वीकार नहीं करता, किसी भी तरह की मान बढ़ाई को वो नहीं चाहता। उसे केवल अपनी साधना से मतलब होता है। ऐसी विडंबनाएं सांसारिक क्षेत्र में घटती रहती हैं,
मैंने तो पिछले दिनों ऐसे व्यक्ति का भी नाम सुना जो आग पर चलता है, जो आग पर चलता है। कहते हैं कि आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, परंतु मैं इसको चमत्कार नहीं, चमत्कार ही मानूंगा। ये कोई वैसी सफलता नहीं है। और फिर एक बात कहता हूं, इससे हो भी क्या जाएगा? अगर एक व्यक्ति आग पर चल, मैं कहता हूं आग पर पृथ्वी का कानून उसने बना दिया, ठीक है, उसकी विशेषता है, परंतु मैं क्यों उससे चमत्कृत हूं? मुझे तो अपनी क्षमताओं को विकसित करना है। दूसरे की क्षमता को देख करके आश्चर्यचकित नहीं होना, अपनी क्षमता को विकसित करना है। जब आत्मोत्कर्ष का उद्देश्य पूरा नहीं हो, आत्मव्रत बढ़े बिना मनुष्य में देवत्व जागृत नहीं होता, व्यक्ति तरह तरह के पाखंडों के अंदर बंधा रहता है और उन्हीं के अभ्यास में लगा रहता है। सोचो, एक व्यक्ति तरह तरह की कलाएं दिखा रहा है, जो देख रहा है उनको देख करके देखने वाले के मन में भी जिज्ञासा पैदा होती है, काश मैं भी सर्कस में एक रस्से पर चला करता। परंतु ये रिद्धि सिद्धि का साधन नहीं है। सॉरी की सारी विशेषताएं आपके मन के अंदर भरी है, चेतनात्मक रूप में जब वो बुद्धि के साथ जाकर के जुड़ता है, तो जुड़ करके उस विशेषताओं को, जो आत्मा की विशेषताएं हैं, उनको बाहर निकाल करके लेकर के आता है। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, अपनी आत्मा की विशेषताओं से ही जो प्रभावित होता है, वही अपने आप को उत्कृष्ट बनाता है। बाह्य सांसारिक दिखावे से कोई व्यक्ति विशेष नहीं बनता, इसलिए अपनी विशेषताओं को जगाना पड़ता है, अपने उद्देश्य को भूल करके तथाकथित सिद्ध पुरुषों के आगे पीछे मनोकामनाएं पूरी करने और कराने के लिए जो फिरने वाले व्यक्ति होते हैं, वो केवल केवल उतने कृत्यों को जो शारीरिक रूप से किए जाते हैं, उतने को करने को ही वो केवल सिद्धि मान लेते हैं। साधनारत जो योगी जन हुए हैं, उनके अंदर सर्वसाधारण के लिए हितकर भावना जागृत करना वास्तव में योगी का कार्य है। योग के तत्व दर्शन के बीज खोजने होंगे, खोज करके उसे अपने जीवन में बोना होगा। पतंजलि अष्टांग योग के जिज्ञासुओं को इतना ही समझाना पर्याप्त समझते हैं के सिद्ध अवस्था तक पहुंचने के जो विचारणाओं और भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकें, ना मन निरर्थक कल्पनाएं करे, ना भावनाओं में हीनता का भाव पैदा हो।
सुदृढ़ सुनिश्चित मान्यताओं को परिपक्व करना और आलस्यजन विकारों को दूर करना, आत्मजय को प्राप्त करना, आत्मजय को प्राप्त करना यानी कि आत्मा की ही जय हो, आत्मा ही विजय प्राप्त करे, ये समाधि का व्यवहारिक रूप है। जिसकी ओर क्रम से आपको बढ़ना होगा, साधना के माध्यम से आपको इसी लक्ष्य की तरफ अपने आप को बढ़ाना होगा। बार बार कह रहा हूं, व्यक्ति सांसारिकता में खोया रहता है और उस सांसारिकता को ही सब कुछ मानता रहता है। वास्तव में जो समाधि का उसका स्तर है उसको प्राप्त नहीं हो पाता। चिंतन के रूप में जो निरंतर उठने वाला प्रवाह है वो केवल काल्पनिक रूप में अपने काम को करता रहता है और उसका जीवन व्यवहारिक रूप में कल्पनाओं को नहीं छोड़ पाता और उन्हीं के बीच में बंधा रह जाता है। हमको आगे बढ़ना है, आपका संकल्प ही आपको आगे बढ़ाएगा। दुनिया की कोई सीख आपको सीख तो दे सकती है परंतु आगे नहीं बढ़ा सकती। दोबारा से कह रहा हूं, आगे बढ़ना है तो आपका संकल्प ही आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए किसी भी अच्छाई से प्रभावित होकर के उसको करने का संकल्प हमें अपने जीवन में लेना चाहिए, ना किसी को सताना, ना किसी के साथ बुरा काम करना। अगर इस स्तर पर हमारा मन हमारा साथ दे तो हम निश्चित रूप से समाधि की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे, मार्ग खुल जाएगा आपका, रास्ता खुल जाएगा आपका और धीरे धीरे उस तरफ को आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, जरूरत केवल एक ही चीज पर है, मन के लड्डू मत खाइए, मन के लड्डू मत खाइए। अगर आपने मन के लड्डू खा लिए तो आप मन के वशीभूत हो गए। कुछ भी हो जाए आपको मन के लड्डू नहीं खाने हैं, यानी कि विचारणा के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह भोग वासना तृष्णा जो छुपी हुई हैं उनको सक्रिय नहीं होने देना। समझ लेना, योग अभ्यास के आप साधक हो गए और आपको समाधि तक वो लेकर के जाएंगे। समाधि माने सूक्ष्म शरीर में जाकर के स्थित हो जाना, सूक्ष्म शरीर में जाकर के स्थिर हो जाना, उसी को समाधि कहते हैं। मेरा निवेदन है जो मैंने अभी समझाया है उसको वर्णन करना, उस अवस्था को अपने अंदर पैदा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। आप इसको करें, अब यज्ञ की तरफ को चलेंगे। पवित्रीकरणम् बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे।
ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यः समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम्। तीन बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तृणमसीः स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसीः स्वाहा। ओम सत्यम यसह श्रीरम श्री श्रीयताम स्वाहा। बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की पांच उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को स्पर्श करिए। ओम चिद्दरूपिणी महामायी दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास करिए। ओम वांगमयी आसे यस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में स्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानी में अंगानी तनुस्तनवा में सहसंतु। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल चढ़ाते हुए धरती माता का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चास्मनं चंदन धारणम्। एक दूसरे को तिलक करेंगे। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो सब कलावा बांध लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षैकुं समाने आयुः प्रमोसीहि। ओम मनोरजूतिरजुसतामा जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनुत्वरिष्ठम् यज्ञं शमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठय ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी का आवाहन करेंगे। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्रे च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चय। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री का आवाहन। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारं करोमि। अब देव शक्तियों का आवाहन किया है। पूजन करेंगे। एक पुष्प ले लेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके चार बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के दो टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि।
तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामी, दक्षिणाम समर्पयामी, सर्वाभावे अक्षतानी समर्पयामी, ततौ नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बहवे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। हाथ पर पुष्प अक्षत लेकर के ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि का, श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था, सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमाय, ओम गौतमाय सर्वभूतानाम ऋषिनाय च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम श्री गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन, अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर भाव भरा यह आमंत्रण है स्वीकार करें, हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्तुते अस्तु स्वदा सध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिग्रह्यता में है। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम जल्दा अग्नि हत प्रभम अध्यक्षी कृते गायत्री तपोरूपेण सन्निस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया, और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का ध्यान दिया। है प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर, हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है, असि त्वं प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिग्रह्यता में है। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि जिन्हें समान हर सुख दुख था, और कठोर तप के सुतेज से जो जो जलायमान मुख था, तपो मूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। यज्ञ में महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन और अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिग्रह्यता में। ओम जमदग्नि नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितेशी ऋषिवर आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे, जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ का पूजन आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यम वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहय वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब
अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर, ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी है, तपह पूत है, सत्य रूप है, तेजस्वी व्रतधारी है। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रेय नमस्तुभ्यम सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्र तेजसे ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मातृ शक्ति के रूप में मां अरुंधति का आवाहन। सुख सो भाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं इस पुनीत बेला में। हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं, हम अबोध बालक हैं माता। कर लो पूजा ग्रहण अभी यहाँ यज्ञ मंडल में होवे। पूजा यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्तय नमस्तुभ्यम सर्व सौख्य प्रदायिनी एही मंडले मध्ये त्वम नमः पूज्याम प्रति ग्रहण में। ओम ओम अरुंधत्तय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अग्नि स्थापना करें। जिनको भी अपनी आहुति डलवानी है वो लिख दें। अरुण दीक्षित चलिए। ओम भूर्भुवस्वः द्योरिव भूम्ना पृथ्वीवरीं नः तस्यास्ते पृथ्वीः देव यजने प्रस्ते अग्निं मनाद मन्ना धाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासाद यादिह। ओम अग्ने नमः अग्निम् आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हाँ, रक्षा विधान करा रहा हूँ। ठीक बात है, अग्नि स्थापित कर दी, अब रक्षा विधान कर लीजिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वजे दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्र्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्धम रक्षतु धातावो नीचे हयोदो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तमपि यस्तस्थानम रक्षतु विशोममार्धिक। अब सर्वन्तु ये भूता भूमि सनस्थिता भूमि ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अब क्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वे साम विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। अब वो देंगे, समिधा दान करेंगे। एक समिधा लेंगे एक एक और दोनों तरफ से घी लगाइए। ओम अयंत आत्मा जात वेद से स्तेने देवर्दस्य चे देवर्दे चाशमान प्रजया पशुर्विर्भम वर्चसे अन्ना देन समेत यही स्वाहा इदम अग्रे जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनय स्वाहा इदम अग्नेदम नमन। तीसरी ओम सुसमिधाय सुचिसे घृतम तीव्रम जुहूतन अग्ने जातवेद से स्वाहा इदम अग्ने जातवेद से इदम नमम। चौथी
ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चर्चाय विस्तयै स्वाहा। इदम् आग्नेयंगिरसे इदम् नमम् जल प्रसेचनम्। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे जिस दिशा में कहा जाए। ओम अदिते अनमन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे, सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न सुदतु। घी की सात आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। अब गायत्री मंत्र से आहुति सभी देंगे। सब कुंडों पर बैठ जाए और आहुति दे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमम। अब आगे की विशेष आहुतियां हैं। मांडा से मिथिलेश पांडे के परिवार के लिए अरुण दीक्षित के परिवार के लिए और कोनिया क्षेत्र के ही बहपुरा से संजय दुबे के परिवार के लिए, नेहरू विहार दिल्ली से सुदेश की छोटी बहू के स्वास्थ्य के लिए, नोएडा से महेश्वरी उमेश महेश्वरी उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अरुण दीक्षित के आत्मिक शांति के लिए, शिव कुमार के
परिवार के लिए, इटेरा से शिवानी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, समस्त गायत्री परिवार के लिए, देवेश के भी उसके लिए भी आहुति, राजकुमारी के पेट में दिक्कत है न्यू अशोक नगर से, उसके लिए आगे की विशेष आहुति। ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। अब विशेष आहुतियां कोरोना के लिए, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभी, ये अंत कृमियो गवि स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम सूलम विलोही तम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निमर्त्रय यामहि स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। अब सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वनराय वैश्वै रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति, जो भी भूल चूक हमसे हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थना आहुति घी मिष्ठान के साथ। ओम यदस्य कर्मण उत्यरिरिचम यादवा न्यूनमेहा कर्म अग्निष्ट सृष्टिकृत द्यात् सरम सुहूतम करो तुम्हें अग्नि सृष्टिकृत सुहतुत सर्वैश्चिताहुति नाम कामानाम समृद्धित्रे सर्वान्न कामान समृद्धय स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति, खड़े हो जाए सब और पूर्णाहुति करें। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत्सु पूर्णा पुनरापत् वसने विक्रणा वह ई स्मृजय गुण सत्कर्तव स्वाहा। ओम सर्वम वही पूर्ण गुण स्वाहा। ओम सर्वम वही पूर्ण गुण स्वाहा। वसुधारा करिए। ओम वसो पवित्रमसी सप्तधारम वसो पवित्रमसी सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षय स्वाहा। अब आरती करिए।
ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमर्तय स्तुवन्त दिव्यैस्तवे वेदै सांग पद क्रम नोपनीर सदै गारयन्ति यम श्यामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांतम न विदुसुरा सुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतम हृदयारविंदै भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या तदनम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सबको आरती दे दें, सबको पुष्प चावल दे दें और एक परिजन कलश लेकर के शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी ही शांतिराप शांतिरुषुधयः शांति ही वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगं शांति ही शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वा रिस्ता सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ दान कर दें। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। देव दक्षिणा बुराई का दान अच्छाई की वृद्धि देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमा न्यायशन्ते हनाकम महिमांच छत्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। अब कुंड में थोड़े चावल छोड़ करके देव शक्तियों को विदा। कर्म पूरा हुआ। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज का पूर्ण हुआ।